हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं एरोसॉल के बारे में। आज का हमारा लेक्चर है एरोसॉल के ऊपर। यदि आपने पिछला लेक्चर अभी तक देखा नहीं है तो आप जाके पीछे का लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एरोसॉल। एरोसॉल क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, बनाया इसको कैसे जाता है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे। तो गाइस, कभी न कभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि जैसे कोई भी प्लेयर इंजर्ड हो जाता है या खेल के दौरान कोई इंजर्ड हो जाता है तो डॉक्टर तुरंत आता है और एक स्प्रे करके चला जाता है। वो स्प्रे एरोसॉल ही होता है। और वो बनाया कैसे जाता है, एरोसॉल बनाने के लिए एरोसॉल के अंदर एक्टिव मेडिकामेंट, एक्सीपिएंट्स, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और भी सॉल्वेंट प्रोपेलेंट के साथ मिलाकर बनाया जाता है। प्रोपेलेंट एक ऐसा केमिकल या मिक्सचर होता है जो कि तो जो उसके अंदर लिक्विड भरा रहता है एरोसॉल के, उसको बाहर फेंकने के लिए उसको एक्साइट करता है। वो प्रोपेलेंट उस साइड का होता है, जैसे वो कि न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर काम करता है प्रोपेलेंट मिक्सचर। प्रोपेलेंट मिक्सचर एक मतलब प्रेशर जो होता है वो क्रिएट करता है उसके ऊपर। जैसे हम लोग उसको स्प्रे को दबाएंगे और वो सब लिक्विड बाहर आता है, जो भी लिक्विड भरा रहे या तो गैस रहे वो सब लिक्विड आता है, तो वो हमारा प्रोपेलेंट होता है। तो चलिए आज हम इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो इस डेफिनेशन क्या है, एरोसॉल एक ऐसा फार्मास्यूटिकल एरोसॉल होता है जो कि एक्टिव मेडिकामेंट को डिजॉल्व करके मिक्सचर के साथ, प्रोपेलेंट मिक्सचर के साथ और सॉल्वेंट के साथ मिलाकर एक कंटेनर में बनाया जाता है। उसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, एरोसॉल में एक कंटेनर रहता है और उसमें एक डीप ट्यूब होता है जो कि पूरा बॉटम तक टच होता है और उसमें एक वॉल होता है जिससे कि हमारा जो एक्टिव मेडिकामेंट होता है, जो हमारा लिक्विड होता है वो बाहर आता है, और एक एक्टिवेटर होता है जो कि उसे ओपन और बंद करने में काफ़ी मदद करता है। इन चार चीज़ों से मिलाकर हमारा एरोसॉल का कंटेनर तैयार होता है। तो आप देखिए, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, मैंने आपको पीडीएफ के जरिए आप लोगों को बताया है, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और एकदम शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। और एरोसॉल का कंटेनर किस किस टाइप का हो सकता है, एरोसॉल का कंटेनर ग्लास का बना सकता है, सिंथेटिक रेजिन्स हो सकता है, प्लास्टिक, मेटल, इन सारी चीज़ों से मिलकर बना हो सकता है। और डीप ट्यूब, इसके अंदर डीप ट्यूब एकदम बॉटम में अटैच होता है, जब एक्टिवेटर से सुप्रेस किया जाता है तो डीप ट्यूब में भरकर वो लिक्विड और गैस बाहर निकलता है। और वॉल जैसे हम लोग प्रेस करेंगे तो वॉल ओपन होता है, एक्टिवेटर बस उसको बंद और चालू, ऊपर वॉल को ओपन एंड क्लोज करने के लिए एक्टिवेटर को लगाया जाता है। और एरोसॉल काम कैसे कर सकता है, तो एरोसॉल का काम, एरोसॉल इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग द एक्टिव मेडिकामेंट एंड अदर एडिटिव्स सच एज ए सॉल्वेंट, एंटीऑक्सीडेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट आर डिजॉल्व इन प्रोपेलेंट, दिस फाइनल प्रोडक्ट इज नोन एज एरोसॉल। एरोसॉल को बनाने के लिए हम लोगों को सॉल्वेंट, एंटीऑक्सीडेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और प्रोपेलेंट मिक्सचर के साथ बना करके एरोसॉल को तैयार किया जाता है। और एरोसॉल के एडवांटेज की बात करें तो एरोसॉल को एडवांटेज की बात करें तो एरोसॉल पैकेजिंग प्रोडक्ट मेडिकामेंट फॉर्मलाइट, एरोसॉल का जो कंटेनर होता है वो लाइट और डस्ट और एटमॉस्फेयर मॉइस्चर से बचाता है एरोसॉल को।
और वो ऑक्सीडेशन से भी बचता है एरोसॉल डिमेंट, और वो स्टर्लिटी प्रोडक्ट की स्टर्लिटी को भी बनाए रखता है, और इसको एरोसॉल को यूज करने में काफ़ी इजी एंड बहुत ही कन्वीनियंट एकदम सुविधाजनक होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो यह इसकी एरोसॉल का पैकेज होता है, एरोसॉल का पैकिंग काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और ये हाई टेम्परेचर पर रखेंगे तो कंटेनर के अंदर प्रेशर एक तैयार हो जाता है। और कौन कौन से टाइप के कंटेनर एरोसॉल के लिए यूज किए जाते हैं, तो हमारा मेटल का हो गया, आप लोग ग्लास के साथ इसका ले सकते हैं, कंटेनर काफ़ी ईजी है, ये ज़्यादा हार्ड है नहीं, और एग्ज़ाम के तौर पर देखें तो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, और एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसका एरोसॉल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग और काम कैसे करता है, तो आप एकदम इजीली इसको लिख सकते हैं। और हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, अपना चैप्टर 5 साइज रिडक्शन के बारे में जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो गाइस आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।